80 से 90% ब्राह्मण वोटर कांग्रेस को जाएगा और कांग्रेस की विजय हुई। अच्छा, ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ? जी हाँ, मैं खुद उर्मलिया हूँ, मैं कुआं को उर्मलिया हूँ, मरैया गाँव है, पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ है। अच्छा, कांग्रेस की कम से कम 170 से 175 सीट आ रही है और विजय राघवगढ़ में नीरज सिंह बघेल जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत के जा रहे हैं। विधानसभा में विजय राघवगढ़ की जनता के मुद्दों को रखेंगे। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है कमलनाथ जी की। चूंकि आज 18 साल से हम लोग बीजेपी को झेल रहे हैं, आपने देखा कांग्रेस के राज में सिलेंडर 500 रुपए था, आज आप देख लीजिए 1100 रुपए का है। पेट्रोल 60 रुपए था, आज देख लीजिए 100 के पार है। कांग्रेस पार्टी आएगी जब अच्छे दिन आएंगे। अब की बार कांग्रेस सरकार। हाँ, कमलनाथ जिंदाबाद। जनता नाराज है क्या भाजपा से? भाजपा पूरी जनता नाराज है। क्यों नाराज है भाई? कुछ नहीं कर रहा, कोई विकास ही नहीं हो रहा है। बदलाव का बिल्कुल पंजा खिलेगा, पंजा बिल्कुल पंजा पंजा। आखिर क्यों पंजा, भाजपा क्यों नहीं? आप देखे कमलनाथ जी की घोषणाएं देखी है, जो 11-19 की है घोषणाएं, देखिए 500 रुपए में सिलेंडर। अब क्या चाहिए महिलाओं को, जो जरूरत की चीजें हैं गृहस्थी का, वो सब सारी चीजें कमलनाथ जी ने कर। जनता मध्य प्रदेश में इसी भ्रष्टाचारी सरकार को हराने के लिए उतारू बैठी है, वो तो मौका देख रही है 17 नवंबर का दिन, जिस दिन वो कांग्रेस को वोट देके प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी सरकार को हटाएगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, कमलनाथ जैसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। अभी हमारी चुनावी यात्रा पहुंच गई है कटनी जिले में, जहां पर नॉमिनेशन करने के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं और तमाम लोग हैं। अब कटनी जिले की जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ भाजपा है, जनता के मन में क्या है हम जनता से बात करेंगे। चलिए भाई साहब से शुरुआत करते हैं, क्या नाम हुआ सर? अरविंद बड़गैया। किस विधानसभा से हैं? बिजरावा विधानसभा 92 से हूँ मैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश की जनता क्या सोच रही है? इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है कमलनाथ जी की। चूंकि आज 18 साल से हम लोग बीजेपी को झेल रहे हैं, आपने देखा कांग्रेस के राज में सिलेंडर 500 रुपए था, आज आप देख लीजिए 1100 रुपए का है। पेट्रोल 60 रुपए था, आज देख लीजिए 100 के पार है। गरीब आदमी, आप आलू जैसी चीज में देख लीजिए कि आलू आज 20-30 रुपए किलो है, प्याज देख लीजिए 180 में पहुंच रही है। तो मेरा मतलब सिर्फ इनने उद्योगपतियों को बढ़ाया, बीजेपी ने गरीबों को नहीं, कांग्रेस ने हमेशा। आप देखिए कांग्रेस के, भाजपा तो कह रही अच्छे दिन आ गए ना, जनता खुश है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, अच्छे दिन वो आ गए कि कांग्रेस के राज्य में आप देख रहे थे कि फ्री सेल मिट्टी का तेल मिलना, खाद बीज मिलना, आपको गेहूं चावल मिलना, ठीक है, हर चीज थी। आज आप देख लीजिए सब बड़े आदमी ही ऐस कर रहे, गरीब आदमी और से अति गरीब हो गया है। तो क्या लग रहा, कमल चाहिए या कमलनाथ? कमलनाथ। तो क्या लग रहा विजय राघवगढ़ से क्या होने जा रहा है इस बार? विजय राघवगढ़ से कांग्रेस जीत रही है और 100% जीत रही है। ये लोग गलत फहमी में है, कुछ लोग चाह रहे कि नहीं जीते, पर कांग्रेस ही जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस का इतना अच्छा माहौल है, बदलाव का लहर चल रही भैया, पूरे प्रदेश में चल रही है। हम चाह भी लेंगे कि नहीं जीते कांग्रेस, तो हम का हरवा देंगे क्या? पब्लिक ही चाह रही है कि भाई कांग्रेस को जीतना है, बात खत्म है, जीत रही है कांग्रेस। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? राजेंद्र सिंह बघेल। कहाँ से आए हैं? बिजरावगढ़ से। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है? बदलाव का बिल्कुल पंजा खिलेगा, पंजा बिल्कुल पंजा पंजा। आखिर क्यों पंजा, भाजपा क्यों नहीं? आप देखे कमलनाथ जी की घोषणाएं देखी है, जो 11-19 की है घोषणाएं, देखिए 500 रुपए में सिलेंडर। अब क्या चाहिए महिलाओं को, जो जरूरत की चीजें हैं गृहस्थी का, वो सब सारी चीजें कमलनाथ जी ने करके, 5 हॉर्स पावर तक का बिजली। अब बिजली में आपकी उनने फिर से घोषणा कर दी है, 12 घंटे बिजली बिल्कुल फ्री, 200 यूनिट तक बिजली फ्री। अब इससे क्या चाहिए? और हम लोग क्या है, बेरोजगार हैं, रोजगार की गारंटी हम लोगों को मिली है, काम की गारंटी है। तो कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। लेकिन मामा जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है। कहीं कोई विकास नहीं, आप पूरा देख लीजिए कहाँ विकास है, 50% बिल्कुल कमीशन की सरकार है, खत्म है अडानियों की, बिल्कुल देखिए आप जाके कहाँ विकास है। कटनी बिजरावगढ़ देख लीजिए, एक चीज का बाईपास का 2-2 बार ओपनिंग हो चुकी, अभी तक बाईपास का कुछ पता नहीं है बिजरावगढ़ विधानसभा में। तो क्या लग रहा है बिजरावगढ़ से अगला विधायक कौन हो सकते हैं? नीरज सिंह बघेल। अच्छा, हाँ, आपका क्या नाम हुआ सर? सुरेंद्र मोहन मिश्रा। क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में? बदलाव है,
तो किसकी सरकार बनेगी? कमलनाथ जी की। क्यों, भाजपा क्यों नहीं? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मुद्दा है। लग रहा जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल, जनता बदलाव चाहती है, जनता बिल्कुल कांग्रेस को वोट देना चाहती है, क्योंकि महंगाई इतनी, आदमी को घर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, आपका क्या नाम हुआ सर? मैं भारत भूषण तिवारी हूँ। तो क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव में, जनता क्या सोच रही है? जनता मध्य प्रदेश में इसी भ्रष्टाचारी सरकार को हराने के लिए उतारू बैठी है, वो तो मौका देख रही है 17 नवंबर का दिन, जिस दिन वो कांग्रेस को वोट देके प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी सरकार को हटाएगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, कमलनाथ जैसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी और मध्य प्रदेश को IT हब बनाएगी। बेरोजगारी जितनी चल रही है प्रदेश में, भ्रष्टाचार चल रहा है, सबको दूर भगाएगी। और भाजपा कह रही है कि 160 सीटें हम जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की कम से कम 170 से 175 सीट आ रही है। और विजय राघवगढ़ में नीरज सिंह बघेल जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत के जा रहे हैं, विधानसभा में विजय राघवगढ़ की जनता के मुद्दों को रखेंगे और इस विजय राघवगढ़ ग्रामीण क्षेत्र को, जिसने संजय पाठक जो व्यक्ति यहां से विधायक है पिछले 4-5 बारों से, उसने सिर्फ अपना खुद का विकास करा, इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं करा है। नीरज सिंह बघेल जी इस क्षेत्र का विकास करेंगे और प्रदेश में विजयरावगढ़ विधानसभा को उच्च स्तरीय पहुंचाएंगे। अच्छा, हाँ। लग रहा बदलाव जनता चाहती है, जनता बदलाव करने के मूड में बहुत तरीके से बैठी हुई है और बहुत बड़ी जीत होने वाली है, बहुत बड़ी जीत होने वाली है। शिवराज सिंह चौहान जी क्या कह रहे सर? वक्त है बदलाव का, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। नीरज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद सीट कांग्रेस की आ रही है। आपका क्या नाम हुआ चाचा? विजय सिंह। क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव में? 1 लाख से पार बिजराहोगढ़। हाँ, 1 लाख भाजपा का गढ़ है चाचा, वो कैसे टूटे? कुछ भी गढ़, वो हम लोग है ना, हमको मालूम है क्या गढ़ है, हम लोग है। हाँ बिल्कुल, 75% कांग्रेस भाजपा में आ गई, भाजपा आ गई कांग्रेस में। 75% लोग, बड़े बड़े दिग्गज, धूप्रभात दादा, सारे लोग संजय पाठक के अत्याचार को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। पप्पू वाजपेयी, सारे विधायक लोग, जितने बड़े बड़े नेता हैं, सब भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आ गए। 2500 धान, 2600 गेहूं और 5 हॉर्स पावर तक का परमानेंट कनेक्शन बिल माफ। अभी बताइए क्या चीज, 2 रुपए गोबर खरीदेगी सरकार छत्तीसगढ़ की? कौन कौन सरकार कर देगी? कांग्रेस, कमलनाथ जी। लग रहा संभव नहीं का, सन 2003 का जो भाजपा ने जीती थी, 171 कांग्रेस आ रही है सन 2003 के तर्ज पर। जीते थे ना, क्या कह रहे हैं सर इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार एक कमलनाथ जी, उस बार कमलनाथ जी ने बैठा था, 50,000 के नीचे जिनका कर्जा था उन्होंने माफ किया था, सिर्फ कितने महीने में? 14 महीने में। कमलनाथ जी ने, कमलनाथ जी भी तो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या किए सिर्फ कमलनाथ जी? क्या नहीं, कौन मामा कुछ नहीं किया आज तक, क्या किया मामा? हाँ, क्या करे मामा? नहीं कसाई है, कंस का जुड़वा भाई है। कांग्रेस सरकार बनेगी पूरे मध्य प्रदेश में और MP में। लेकिन भाजपा कह रही अच्छे दिन आ गए, जनता रही, भाजपा कुछ नहीं कर रही, मार रही है जनता को, कर्जा में डुबा दिया भाजपा। अच्छा, हाँ, कर्जा में डुबा दिया। मोदी कह रहा हम मकान दे रहे हैं, काय का मकान दे रहा, हर आदमी कर्जा में एक लाख की डूबा है। तो अच्छे दिन नहीं आए, काय के अच्छे दिन आए? कांग्रेस पार्टी आएगी जब अच्छे दिन आएंगे, अब की बार कांग्रेस सरकार। हाँ, कमलनाथ जिंदाबाद। जनता नाराज है क्या भाजपा से? भाजपा पूरी जनता नाराज है। क्यों नाराज है भाई? कुछ नहीं कर रहा, कोई विकास ही नहीं हो रहा। महंगाई टीवी में दिखा रहे हैं, खूब विकास हो रहा है, चमक रहा है, टीवी में अगर विनाश हो रहा है विकास की जगह, विकास तो है ही नहीं है विनाश की जगह, विनाश विकास कहीं दिख रहा किसी को? सिर्फ विनाश दिख रहा है। अच्छा, बस और कुछ नहीं, विकास की जगह विनाश दिख रहा है। अच्छा जी, क्या सोच रहे हैं चाचा, क्या होगा इस बार? इस बार परिवर्तन होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उसमें बहुमत से बनने जा रही है। और मैं विद्राहोगढ़ विधानसभा का व्यक्ति हूँ, मैं अपने विद्राहोगढ़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने पहली बार जो है लोकल गांव के प्रत्याशी बनाया है, जो जमीनी व्यक्ति है, एक शिष्ट घराने का व्यक्ति है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का बेटा है। और इसको हमारे क्षेत्र की जनता, जहां वो रहते हैं वहां से 30 किलोमीटर दूर के आसपास के गांव, लगभग 70% वोट एक तरफा नीरज सिंह बघेल को करेंगे।
और नीरज सिंह बघेल के साथ पूरा जनबल है और विपक्ष के साथ धनबल है। इस बार लड़ाई हमारे यहाँ जो है जनबल और धनबल की है। इस बार जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा, यही हमारी बात है। आप क्या सोच रहे हैं सर, इस बार क्या होने जा रहा है? मैं जयशंकर उमलिया वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद हूँ कांग्रेस का, और पार्टी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है पूरे जिले के अंदर, जो अच्छी टिकटों का वितरण किया है। और हम, मैं बिजरावगढ़ से हूँ वार्ड क्रमांक 2 से, और पार्टी ने जो बघेल जी को टिकट दिया वो बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इस बार संजय पाठक जैसे अहम ही व्यक्ति, राक्षस रूपी व्यक्तियों का नाश होगा। और बाकायदा पूरे लोग, मैं वो देखी उर्मलिया हूँ, लोग कहते हैं ब्राह्मण वोट इतना इतना, ऐसा कुछ भी नहीं है। 80-90% ब्राह्मण वोटर कांग्रेस को जाएगा और कांग्रेस की विजय होगी। अच्छा, ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ? जी हाँ, मैं खुद उर्मलिया हूँ, मैं कुआं का उर्मलिया हूँ, मरैया गाँव है, पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ है। अच्छा, तो बिजरावगढ़ से अगला विधायक किसको देखना? अगला विधायक हम चाहते हैं नीरज सिंह बघेल, जो स्थानीय व्यक्ति है। ये कटनी से है, इनका ब्रश मंजी मंजन जी भी चड्डी बनियान कुछ भी नहीं बिजरावगढ़। इन्होंने पैसे के दम पे गली गली पे घर बना रखे हैं, बिजरावगढ़ में है, बरही में है, बिरोली में, इनने गली गली पे घर बना रखे हैं वो पैसे के दम पे, मुंबई दिल्ली में बना रखे, पर ये स्थानीय नहीं है। अगर किसी बिजरावगढ़ के लोगों को जुकाम पड़ जाए तो कटनी जाना पड़ता, वहाँ कुत्ते भौंक देते हैं या वॉचमैन भगा देता है। तो हम चाहते हैं स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय व्यक्ति गुनौर के हैं, बिजरावगढ़ में इनका स्वयं का निवास है, गुनौर के निवासी हैं, बिजरावगढ़ से 2 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर की दूरी पर गुनौर है, वहाँ के निवासी हैं नीरज सिंह बघेल। हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हर आदमी उनकी मदद करे, कांग्रेस पार्टी को विजय करे और नीरज सिंह बघेल को विधायक बनाने का चाहे। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी? मध्य सरकार कांग्रेस की रहेगी और बिजरावगढ़ विधानसभा में नीरज सिंह बघेल ही विधायक रहेंगे। नीरज सिंह बघेल क्या लग रहा बेटा? क्षेत्र किसान क्या कर रहे हैं? अब होगा सबका सम्मान, क्षेत्र का बेटा, क्षेत्र किसान, अब होगा सबका सम्मान। अच्छा, कौन सम्मान करेंगे? विधायक जी सम्मान करें, क्षेत्र की जनता का सम्मान होगा। कटनी थोड़ा आना पड़ेगा 35 किलोमीटर, बिजरावगढ़ से भक्ते आए यहाँ भी चले गए, दिन भर खड़े रहे। मेरे ही परिवार में एक आपसी विवाद हुआ, पाठक जी के यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहे, कोई उत्तर नहीं मिला। पारिवारिक कोई भी विवाद होते हैं, पाठक जी कभी नहीं मिलते। गए 16 गाड़ी कटनी की और 16 गाड़ी बिजरावगढ़ की, 32 गाड़ियों के बीच के काफिला में क्षेत्र का आदमी कोई मिले नहीं पाता ना, उनसे कोई बात नहीं कर पाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाशंकर द्विवेदी है, विधानसभा मैं बिजरावगढ़ से हूँ। तो क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में? मैं सोच रहा हूँ, मेरे से गाँव जाते हैं भैया, आस पास घूमते हैं विधायक जी, पूछते हैं कि कोरोना काल में ये कांग्रेस वाले कहाँ थे, कांग्रेस वाले कहाँ थे, और मेरे लड़के और मैं गाँव गाँव बांट रहा था, 5-5 किलो अनाज बांट रहा था, सारी इंजेक्शन व्यवस्था, एम्बुलेंस व्यवस्था कर रहा था। चूंकि सच्चाई तो सबको मालूम है, 2 साल पहले वो खुद बोल रहे थे कि मैं हूँ बिजरावगढ़ का विधायक, मैं सरकार गिरा दूंगा। कमलनाथ की सरकार गिरा रहे थे ये कोरोना टाइम में, और गाँव गाँव और छोटे बच्चों को जाके, बूढ़ों को जाके ये बोलते हैं कि मैं कोरोना में घर घर भागा हूँ, करोड़ों अरबों पैसा खर्च करके इन्होंने हमारी सरकार गिराई है। उस बात का रोष, सरकार गिराने का रोष हम लोगों के अंदर बस गया है। इनको इस बार उखाड़ के फेंकने का उद्देश्य बना चुकी है जनता। बिजरावगढ़ की हर गांव में आप देखेंगे एक तरफा माहौल रहेगा, एक तरफा विजय होंगे दादा नीरज सिंह बघेल। आखिर क्यों कांग्रेस पे भरोसा क्यों है आपको? कांग्रेस भैया जी किसानों की पार्टी है, हमेशा गरीबों की पार्टी रही है। आज हमारे कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की हैं, 500 रुपए क्विंटल धान का मिलेगा, 2600 रुपए गेहूं का मिलेगा। छत्तीसगढ़ में हमारी भूपेश जी की सरकार 2018 से दिए पड़ी है, हम लोग तो चू कर रहे हैं। पिछले बार हम लोगों का दुर्भाग्य था कि पीछे रह गए, 109 में रुक गए, इस बार हम 160 में रुकना चाहते हैं, कम से कम 160, तब तो किसानों की सरकार रहेगी। अब की बार कमलनाथ या कमलनाथ जजक कमलनाथ, कोई नहीं लोग। क्या कह रहे हैं सर, आपका क्या नाम हुआ? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, कोई भी नाम नहीं, कांग्रेस पार्टी। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी? क्योंकि आम जनता का विकास, बच्चों का विकास, आज बेरोजगारी पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर है। हमारे यहाँ 8-8 फैक्ट्रियां हैं, लोकल व्यक्तियों को, 1 लोगों को रोजगार, 6 लोगों को मिला है 14 साल में। विधायक ने विधानसभा में जवाब दिया है, उसकी 18 साल की विधायकी में 6 लोगों को रोजगार मिला है, पूरे व्यवसाय नौकरियाँ दूसरे राज्य के स्टेट वालों को बेच दी जाती हैं, यहाँ का यूथ बेरोजगार घूम रहा है। नदी की खदाने से रेत उत्खनन करने वाले माफिया आते हैं राजस्थान से, गांव वालों को मारते हैं यहाँ, ना महिलाएं सुरक्षित हैं घर में, अस्पताल में मरीज के लिए डॉक्टर नहीं है, ऐसी चीज़ें, मतलब लोगों का। अब आ जाएंगे, चुनाव आया तो पूरी सब्जी भंडारा शुरू कर देंगे, लोगों के समझते हैं कि सब जुटी ही है जनता, लेकिन जनता जाग चुकी है, सब कमलनाथ के साथ हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? विधायक नहीं सेवक चाहिए,
अस्पताल में डॉक्टर नहीं, अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं, कहीं भी चले जाओ। बिजरागढ़ विधानसभा क्षेत्र आज 18 साल से हर विभाग हर तरह से बहीन डरा है। वीआईपी नहीं, किसान चाहिए।